मेरा नाम है दर्शना और आप सबका स्वागत है हेल्थी किचन में। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ऑफिस से या कॉलेज से थके हारे घर पे आते हैं तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में आती है वो होती है भूख, है ना। और जब भी हम किचन में जाते हैं तो पता चलता है कि वही रोटी और कोई सब्जी बनी है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वही रोटी और सब्जी को हम एक हेल्दी, क्रंची और इनोवेटिव ट्विस्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी के लिए, जिसका नाम है हेल्दी सब्जी रोल। इस रेसिपी के लिए हमने ली है 2 रोटियां, बटर, केचप, सॉस। मैंने यहाँ पे ली है पत्ता गोभी की सब्जी, सफेद तिल और कसा हुआ नारियल, मतलब फ्रेश कोकोनट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, हेल्दी सब्जी रोल को। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 रोटी। अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ टमाटो केचप। आप अगर इसमें ट्विस्ट देना चाहते हैं तो आप शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी सब्जी। सब्जी हम लोग ने पहले से ही पका के रखी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे आप कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जी में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। कोई भी आप सब्जी लोगे तो वो थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, इसकी वजह से आपका जो रोल है वो सॉगी नहीं बनेगा और जब भी हम लोग इसको पकाएंगे तभी वो क्रंची बन जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ली है पत्ता गोभी की सब्जी। हमें ये सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस करनी है क्योंकि यही वो सब्जी है जो आपको पसंद नहीं है और हमें वो पूरी खत्म करनी है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें सफेद तिल। ये तिल डालने के बाद उसमें क्रंचीनेस आएगा और इसके साथ ही मैं ऐड करूं सौंफ। सौंफ आपको तो पता ही है कि ये फ्रेशनेस के लिए काम आता है, तो थोड़ा सा सौंफ हम इसमें ऐड करेंगे। एंड में गार्निश करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोकोनट। अभी इस रोल को हमें टाइटली प्रेस करना है और उसका एक अच्छा सा रोल बनाना है ताकि अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो बाहर नहीं निकले। तो ऐसा हमारा 1 रोल तो तैयार हो चुका है, ऐसा ही मैं दूसरा रोल बना रही हूँ और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अब हमारे ये 2 हेल्दी सब्जी रोल तैयार हो चुके हैं, अभी इसे हम करेंगे बेक। बेक करने के लिए आपको ओवन को प्रीहीट करना पड़ेगा 180 डिग्री के लिए 5 मिनट्स के लिए। कभी भी याद रखिए ओवन यूज करने से पहले उसे प्रीहीट करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये रोल बेक करने के लिए रख दिए हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको नॉनस्टिक पैन पे हल्का सा ऑयल डाल के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक या क्रिस्पी होने तक पका लीजिए। तो देखिए ओवन की घंटी बज चुकी है। उसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अभी हमारे रोल्स बेक हो चुके हैं, अभी इसे निकाल लेते हैं और उसकी प्लेटिंग करते हैं। अभी हमारे हेल्दी सब्जी रोल तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। ये बहुत ही यम्मी बने हैं, आप भी इन्हें घर पे ट्राई कीजिए। आप अपने बच्चों को भी इन्हें टिफिन में दे सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे कमेंट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगली बार एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। Bye-bye.